हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक नए तरीके से एक मंचूरियन जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत जल्दी बनकर रेडी होता है। अब हम चलते हैं किचन की ओर। सबसे पहले मैं 4 उबले हुए अंडे लूँगी। 1 शिमला मिर्च इसे इस तरह काट लेंगे और 1 प्याज इसे भी काट लेते हैं और 1 टमाटर मैं इसे बारीक काट लेती हूँ और ये मिर्च मसाला अदरक जीरा का पेस्ट है। सबसे पहले मैं अंडा को कद्दूकस कर लेती हूँ। मैं अंडे को हल्के हल्के हाथों से मैं कद्दूकस करूँगी। इसी तरह बाकी सारे अंडों को मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। देखिए गैस, हमने कद्दूकस कर लिया है। अगर आपके पास कद्दूकस करने वाला नहीं है तो आप चाकू से भी बारीक बारीक काट सकते हैं। अब इसमें मैं ये 1/2 कटोरा बेसन डाल करके मिक्स कर लेती हूँ। देखिए, मैंने बेसन इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेती हूँ। अब इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेती हूँ और इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। इसमें कलर के लिए मैं 1 कश्मीरी मिर्च को डाल लेती हूँ। कश्मीरी मिर्च डाल लेती हूँ। अब मैं इसमें ये गरम मसाला को डाल लेती हूँ और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ हल्के हाथों से। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए थोड़ा सा मैं पानी डाल करके सान लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। देखिए गैस, मैं अच्छी तरह से मिला ली हूँ। देखिए गैस, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इन सभी मिश्रणों को मैं एक गोलाकार शेप दूंगी। इसी तरह बाकी सब मिश्रण का मैं छोटा छोटा बॉल्स बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें मंचूरियन को डाल करके डीप फ्राई कर लेती हूँ। इसे ब्राउन होने तक मैं पका लेती हूँ। देखिए गाइस, ये मंचूरियन ब्राउन हो चुका है। अब मैं तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। अब सभी मंचूरियन को मैं इसी तरह डीप फ्राई कर लेती हूँ। देखिए गाइस, ये मंचूरियन फ्राई हो चुका है। मैं तेल को गर्म होने देती हूँ। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये कटा वाला प्याज डाल लेती हूँ और इसे मैं पकने देती हूँ। ये प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक और जीरा मिर्च का पेस्ट को डाल लेती हूँ और इसे भून लेती हूँ। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल लेती हूँ। मिक्स मसाला डाल लेती हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये भून चुका है। अब मैं इसमें गरम मसाला को डाल लेती हूँ। मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल लेती हूँ और इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ा देर के लिए। अब इसमें मैं टमाटर को डाल लेती हूँ और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसे जब तक ये नरम ना हो जाए तब तक मैं इसे पकाते रहूँगी। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि मैं मंचूरियन में भी नमक को डाली हूँ। मैं टमाटर को 3 से 4 मिनट तक पकने देती हूँ। सब्जी नरम हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर सॉस को डाल लेती हूँ।
अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें एक चम्मच जैसा चिल्ली सॉस मैं डाल लेती हूँ। ऐसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब दो चम्मच जैसे सोया सॉस को मैं डाल लेती हूँ और इसे मैं मिक्स कर देती हूँ। इसमें मैं सिरका डाल लेती हूँ एक चम्मच। इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ और आधा कटोरा जैसा पानी डाल लेती हूँ और इसमें मैं एक उबाल आने देती हूँ। एक अब उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें मंचूरियन को डाल करके एक मिनट जैसे ढक के मैं पका लेती हूँ। अब मैं ढक्कन हटा के देख लेती हूँ। देखिए हमारा मंचूरियन ठीक हो चुका है, ये रेडी हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इस तरह से गार्निश कर लेती हूँ हमारा ये मंचूरियन का रेसिपी। आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग भी जरूर घर में ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।